प्रशासन की ओर से जिला पुंछ में बाहर के राज्यों से काम करने आए हुए लोगों को अपने अपने राज्यों में वापस भेजा गया। इस पर इन लोगों ने प्रशासन का और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से यहां पर उनका काम काज नहीं है और जिस कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर DDC पुंछ राहुल यादव भी उपस्थित रहे। PNI के लिए पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। जो बिहार के लिए जो लेबर है वो निकल रही है और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 569 जो हमारी बिहार की लेबर थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन यहाँ से जो आज जो जा रहे हैं वो 400 के करीब लोगों ने जो है पहले मेडिकल कराया, उसके बाद जो अभी जो जाने वाला नंबर है वो फर्दर उससे भी कम हुआ है। 300 समथिंग लोग हमारे जो है अब यहाँ से अपने बिहार के लिए अपने होम स्टेट के लिए जा रहे हैं, जिसमें जो आज ये यहाँ से जो है लोग चलेंगे, इनको पहले कटरा जाना है, फिर कटरा में वहाँ से 3 ट्रेन के थ्रू ये बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। बचे जो तकरीबन 200 लोग हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन क्योंकि उनको इतने मीन टाइम में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही क्योंकि काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे काम मिल गया, इसके वजह से उन्होंने अपना जो जो है वो यहाँ पे ही रुकना प्रेफर किया है। सर खाना भी साथ में दिया जा रहा है इनको? रास्ते के लिए खाना और जो है पानी जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज किया जा रहा है। बिबरार हुआ तो हमें तो बहुत खुशी हो रहा है कि घर भेज रहा है, और लेकिन यहाँ पे 2-3 महीने से 2-2.5 महीने से रखा हुआ था, तो एक चिश्ती साहब है वो खाने पीने के लिए देता था और बाद बाकी प्रशासन की तरफ से समझो नहीं के बराबर कुछ मिला, तो चिश्ती साहब हमें दे रहे थे खाने के लिए, तो आज वही सब हम लोग का मतलब बना के सर्टिफिकेट जो भी है घर जाने का वो दिए हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं घर। प्रशासन की तरफ से मुझे यही कहना है कि मुझे अच्छी तरह से मुझे घर पहुंचा दे, मुझे यहाँ 2-2.5 महीने लॉकडाउन हो गया, 2-2.5 महीने मुझे मतलब प्रशासन की तरफ से मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला। चिश्ती साहब था वो ठेकेदार ही था, मुझे 2-2.5 महीने से खाना पीना मुझे वही खिलाया। तो हम इधर डिंगला में ठहरे थे, हम घर जाने के लिए खुशी है, हमें अच्छी तरह से मुझे घर पहुंचा दे, रास्ते में मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जितना खुशी नहीं है उतना गम भी है, मतलब इस दिन से आए मतलब लॉकडाउन से 10 दिन पहले आए, उस दिन से बैठे हुए हैं, साथ में पैसा भी नहीं था, और जो कमरा मालिक था वो भी पैसा किराया मांग रहा था, उसको भी किराया भाड़ा देना पड़ा, फिर जाके वो हमें आने के लिए दिया।